अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह का आगाज हो चुका है मेरी चाय के साथ। तो अभी बच्चे स्कूल को जा चुके हैं, मैं यहाँ पर चाय पीऊँगी और मेरी दिन भर की रूटीन स्टार्ट करूँगी। अभी तो आज मुझे बहुत काम है क्योंकि बहुत दिन से कपड़े भी पड़ गए थे बच्चों के, तो आज सब वॉश करना है। वो भी अभी यहाँ पर मैं पिलो कवर भी निकाल कर रखी हूँ। हाँ, और कल हम लोग ये भी लेकर आए थे, देखिए ये यहाँ पर मैंने, मेरे पास यहाँ पर बेडशीट बिछे हुए होते थे, यहाँ से मैंने ये उठा दिया और ये बिछा लिया क्योंकि बच्चे बहुत ख़राब कर रहे थे बेडशीट। तो ये क्या होता है, वॉशेबल होता है, तो इसे आसानी से पोंछ लिया जा सकता है या वॉश कर लिया जा सकता है। तो बेडशीटों पे जब धब्बे पड़ जाते हैं तो निकलते नहीं हैं, तो मुझे प्रॉब्लम हो रही थी तो इसलिए मैंने ये ख़रीद लिया। तो अभी मैं आपको रूम क्लीन कर कर बताऊँगी पूरे। तो मेरे साथ चाय पीने कौन कौन आ रहा है, आ जाए। यहाँ पर मैं कोफ्तों का सालन बना रही हूँ, बच्चे स्कूल से आ चुके हैं, देख लीजिए कोफ्ते और शामियाँ बना रही हूँ। शाम के खाने की तैयारी हो रही है डिनर की। यहाँ पर मैंने प्याज फ्राई कर लिए हूँ, यहाँ पर मैंने मसाले डाल दिए हैं, देख लीजिए अभी अच्छे से तेल जब तक नहीं छूट जाता मिक्स कर लेंगे, जब तक हम शामियाँ और कोफ्ते तल लेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने शामिया के लिए पैन रख दिया है, बता उसमें थोड़ा सा ऑयल डालकर तलेंगे हम, देखे से ऐसे रखकर तल लेंगे क्योंकि पके हुए समय के हैं तो हमें ज़्यादा इसे तलना नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे भी तो हो जाएगा। देखे जी ऐसे अच्छे से गोल्डन फ्राई होने दें। कम तेल में ही तलेंगे क्योंकि अगर ज़्यादा तेल में तलेंगे तो टूट जाएंगे, इसलिए बिल्कुल कम तेल में रखें तो अच्छे से हो जाएंगे। यहाँ पर हमारा सालन हो रहा है, अभी जब तक सालन हो जाएगा जब तक हम ये कर लेंगे, अभी ये भी फ्राई कर लेंगे अच्छे से। पकावा ही ना रहेगा तो अच्छे से फ्राई हो जाएंगे और हमें ज़्यादा वो करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये खीमा पका हुआ रहता है। अभी थोड़े से शामियाँ मैंने निकाल लिए हैं मेरे हस्बैंड और बच्चों के लिए, उन्हें लेकर जाकर दूँगी। मैं प्याज भी काट लूँगी सब, इसमें मैं नींबू भी निचोड़ दूँगी, इसका टेस्ट अच्छा हो जाएंगे। और तो अभी मैं सर्व करने लेकर जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड को दूंगी, बच्चों को दूंगी। देखिए जी यहाँ पर लेकर आ गए हैं और यहाँ पर खाने भी लग गए। चिड़िया बता ली मरा तुम्हारे चिड़िया बताओ जी ना।
देखो लिमरा के मुंह में कितने कीटाणु है। खोलो मुंह, खोलो तुम्हारा बताएंगे, मुंह खोलो बताएंगे। हम लोग यहाँ पर आइसक्रीम खाने के लिए आए हैं बच्चों को लेकर, तो यहाँ पर मैंने आवाज़ को म्यूट कर दिया था क्योंकि यहाँ पर बहुत शोर था गाड़ियों का। तो अब यहाँ पर मेरे हस्बैंड देख रहे हैं कि कौन सा आइसक्रीम मंगाएं। तो और मेरे इस चैनल पर लोग सब अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ही ना करें वैसा करना है तो, क्योंकि उससे मेरा वो होगा। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अनसब्सक्राइब अगर करना है आप लोगों को तो सब्सक्राइब ही ना करें। तो अभी यहाँ पर हम लोगों ने आइसक्रीम ऑर्डर किया है। लिमरा रो रहे थे इसलिए हम लोग आइसक्रीम खिलाने लेकर आए हैं। यहाँ पर हमारा आइसक्रीम आ चुका है, तो मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।